दोस्तों, आज की बैठक प्रांतीय अध्यक्ष भूपेश सिंह जी और समस्त जागरूक जिलाध्यक्षों के गरिमामय उपस्थित में संपन्न रही। दोस्तों, अभी बैठक का जो मेन मोटिव था वो सामने नहीं आ पाया है। ये तभी कहा जा सकता है कि मीटिंग सफल हुई जब मानदेय या अन्य मांगों पर कार्य हो जाएगा तब। दोस्तों, बैठक का मुख्य उद्देश्य MLC चुनाव आने वाला है उसमें ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा सहयोग करने का था, जो BJP कार्यकर्ताओं की रणनीति थी प्रदेश अध्यक्ष की, माननीय मुख्यमंत्री जी की। दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आउट ऑफ स्टेट होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए, ये काफ़ी निराशाजनक रहा। फिर भी भूपेश सिंह जी की कुशल रणनीति के चलते उन्होंने अपने मांग पत्र में दोस्तों 6 बिंदुओं को हाईलाइट किया और उस पर विस्तृत चर्चा भी हुई, जिन बातों पर शासन द्वारा पहले भी हरी झंडी दिखाने का संकेत जारी हुआ था। तो दोस्तों, उन बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। भूपेश सिंह जी द्वारा नंबर एक पर ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। 2 नंबर पर ग्राम रोजगार सेवकों के जॉब चार्ट में मनरेगा के अतिरिक्त अन्य कार्य जोड़कर कार्य लिया जाए। 3, ग्राम रोजगार सेवकों को ब्लॉक स्तर पर स्थानांतरण की व्यवस्था लागू की जाए। 4, ग्राम रोजगार सेवकों के नियमित मासिक मानदेय भुगतान हेतु प्रशासनिक मत पर आधारित मानदेय भुगतान की व्यवस्था को समाप्त कर राज्य सरकार द्वारा पृथक बजट की व्यवस्था का प्रावधान किया जाए, तथा महंगाई में हुई भारी वृद्धि के दृष्टिगत भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 28 अगस्त 2017 के अनुसार न्यूनतम मानदेय 24,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की व्यवस्था की जाए। 5, राज्य वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग को मनरेगा में अभिसरित करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए शासनादेश दिनांक 16/5/2017 को कठोरता से सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाए। और 6 नंबर की, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में 12 वर्ष के अनुभव के आधार पर ग्राम रोजगार सेवकों को वरीयता दी जाए। तो दोस्तों, ये कुशल रणनीति के चलते ये बैठक संपन्न हुई। पूर्व में भी जब विधानसभा चुनाव सामान्य निर्वाचन 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष वर्तमान में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने लखनऊ के मलिहाबाद निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपने चुनाव प्रचार में आश्वासन दिया था कि प्रदेश की भाजपा सरकार बनने पर समिति बनाकर ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं का समाधान होगा। इस प्रकार लोकसभा क्षेत्र में मोहनलालगंज लखनऊ के माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी ने भाजपा के प्रांतीय व राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति के उपरांत संगठन को लिखित आश्वासन पत्र दिया था कि भाजपा की सरकार बनने पर ग्राम रोजगार सेवकों को विनियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने का कार्य करेंगे, जिससे प्रभावित होकर 38,000 ग्राम रोजगार सेवक एवं उनके परिवार प्रियजनों ने भाजपा को जिताने में अपना भरपूर सहयोग एवं समर्थन किया था। दोस्तों, ये समय है BJP के पास कि ग्राम रोजगार सेवकों के हित में निर्णायक फैसला लें और उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए कुछ कर दिखाएं। अभी हम लोगों को भी धैर्य बनाकर रखना है और जो इन प्रांतीय नेतृत्वकर्ताओं की अपील है उस पर ध्यान रखते हुए उनके कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना है, तभी हम लोगों का नियमितीकरण या मानदेय बढ़ोतरी का कार्य हो पाएगा। जय हिंद, जय ग्राम रोजगार सेवक संघ।